नमस्कार और आप देख रहे हैं पंतल। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 8 हाईटेक विजय संकल्प रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए रवाना हुए हैं विजय रथ। विजय संकल्प रथ पूरी तरह से हाईटेक होंगे। इन रथों के माध्यम से भाजपा द्वारा किए गए 5 सालों के विकास कार्यों का लेखा जोखा जनता तक पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मई से पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा के दौरे पे होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि गठबंधन वो करते हैं जिनकी जमीन खिसक जाती है। आज यह गठबंधन के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है, जहाँ भी यह गठबंधन हो रहे हैं जनता नहीं देने वाले इनको कोई समर्थन। कांग्रेस द्वारा अपने बाकी के चुनाव प्रत्याशियों के नाम घोषित न करने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष जल्द से जल्द अपने बचे हुए उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे तो कम से कम आपस में चुनाव लड़ने का सिस्टम तो दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि इन रथों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के भाषण जनता के को वीडियो रथ के माध्यम से दिखाए जाएंगे ताकि लोग जागरूक होकर के लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएं। पलपल करनाल से कदम सिंह की विशेष रिपोर्ट। देखिए, लोकसभा का जैसे चुनाव है तो इस चुनाव में प्रचार के साधनों के नाते से कई प्रकार के प्रचार के जो साधन हैं वो अपनाए जा रहे हैं। उसमें सारे देश भर में वीडियो रथ ये भी चलाने का कार्यक्रम है। हर एक लोकसभा में तीन तीन वीडियो रथ किए जाने वाले हैं। आज अभी जिसमें से 4 लोकसभा क्षेत्रों के 8 वीडियो रथ यहाँ से रवाना किए गए हैं। इसी प्रकार बाकी भी लोकसभा क्षेत्रों में सब जगह कहीं आज कहीं कल ये सब वीडियो रथ रवाना किए जाएंगे। इसके अंदर एक LED स्क्रीन लगातार चल रही है जिसमें केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियाँ, प्रदेश सरकार की हमारी उपलब्धियाँ, बड़े नेताओं के भाषण, नरेंद्र मोदी जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण और जो जो जिस जिस क्षेत्र के लिए उपयुक्त सामग्री है वो सामग्री इसके अंदर दिखाई जाएगी ताकि लोगों को जन जागरण करके और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव के लिए उनको प्रेरित किया जाए। चर्चा थी कि कांग्रेस का जेजेपी और आपके साथ गठबंधन होगा, लेकिन कल हमारे साथ कांग्रेस का तीनों पार्टियों का आपके साथ आम आदमी लेकिन नहीं हुआ, वो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जिनकी जमीन खिसकती है गठबंधन वही करते हैं, तो इसलिए उन गठबंधनों के आधार के ऊपर वो अपना आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। जबकि किसी प्रकार की अब राजनीतिक उनकी आइडेंटिटी बचने वाली नहीं है। जो गठबंधन हुआ है उसके भी पल्ले कुछ नहीं है और जो गठबंधन नहीं भी किया है तो उन्होंने भी कोई ऐसा तो राजनीतिक बड़ा काम नहीं है जिसके कारण से कोई इस प्रकार का उनको कोई उपलब्धि प्राप्त हुई हो। कुल मिलाकर के विपक्ष बिखरा हुआ भी है, जहां गठबंधन भी कर रहे हैं वहां भी इनके जनता इनको किसी प्रकार का समर्थन देने वाली नहीं है। सर, अभी कांग्रेस प्रत्याशी बाकी नहीं मुद्दे खोल रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना जल्दी से जल्दी अगर वो घोषित करेंगे तो कम से कम जो ये आपस में चुनाव लड़ने की जो एक सिस्टम होता है उधर और रुचिकर बनेगा, जल्दी करना चाहिए। सब एक पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, सुरेश भट्टी का हिसार से वीडियो वायरल हुआ, पिछले दिनों कुछ और नेताओं के वीडियो वायरल हुए जिसमें कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है कि मरे हुए के वोट भी हैं, बाहर जो गया वो भी। एकदम गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा है कि वोटर लिस्ट के ऊपर पहचान करनी चाहिए, जिनके जिनकी डेथ हो गई है उनके टिक मार कर लेना चाहिए ताकि उनका गलत वोट न भुगते। हाँ, जो लोग आज यहाँ नहीं बाहर चले गए हैं उनको वहाँ से ला करके और अपने पक्ष में वोट भुगतान कराना चाहिए। ऐसी दो बातों को मिक्स करके किया जा रहा है जो अच्छा नहीं है।